फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे आप सब और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। जो टेंशन नहीं लेता, खुश रहता है ना, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहिए। और मेरा हो गया है चॉपर ख़राब। मैं देखिए इससे घिस रही हूँ प्याज, क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो ये चॉपर जो है ना मेरा टूट गया है। प्लास्टिक के टूट जाते हैं। टीवी में दिखाया था कि स्टील का चॉपर, लेकिन मिल यहाँ तो नहीं मिल रहा। और साथ में मैं बना रही हूँ बथुए का रायता। देखिए, बथुआ मैंने बॉयल्ड करके ना, और इससे कूट रही हूँ, मूसली से ना। मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि मिक्सी का पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, तो हम कूट लेते हैं। और प्याज को मैंने भुनने के लिए रख दिया है। ये देखिए, प्याज भुन रही है। और ये रेसिपी जब मैंने बनाई थी 2-4 दिन पहले की है। दीदी जा रही थी दिल्ली, आई हुई थी वो दिल्ली से, तो वो जा रही थी, तो मैं सवेरे सवेरे खाना बना रही थी। ये उस समय की शूटिंग है, बस उस समय मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। आजकल फुर्सत ही नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ। खुद मुझे भी बड़ा वो लग रहा है, मेरी ना वीडियो कई कई दिन में आ रही हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें हल्दी मिर्ची और लाल मिर्च डाल दी। और एक दुख की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, जो रंग वाली मिर्ची होती है ना, जिसे हम लोग कश्मीरी मिर्च कहते हैं, वो मिलनी बंद हो गई है, तो उससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ये देगी मिर्च का तड़का और देगी मिर्च जो होती है ना, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका रंग ही नहीं आता है। एक चम्मच डाल दो या 2 चम्मच डाल दो, और वो मिल नहीं रही है कश्मीरी मिर्च, तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो सब्ज़ी देखिए कैसी पीली पीली बन रही है, यहाँ ना किसी भी दुकानदार के पास नहीं मिल रही। मैं तो शामतगंज बाज़ार तक हुआ ही, लेकिन वहाँ पे भी किसी के पास भी नहीं है। कह रहे हैं 2-3 महीने से आनी बंद हो गई, क्यों बंद हो गई अभी ये नहीं पता है। देखते हैं मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने रंग की मिर्ची और डाल दी ताकि इसमें रंग आ जाए, लेकिन रंग नहीं आ रहा है। और एक रंग के लिए ना रतन जोत आता है, तो वो भी यूज़ करते हैं लोग। वो लाल रंग छोड़ता है, लकड़ी सी होती है, उसे अगर तेज़ तेल को रखो ना आँच पे, और फिर उसमें रतन जोत डालकर फिर बाद में उसे बाहर निकाल दो, तो उससे भी रंग जो है मरून मरून लाल लाल हो जाता है। और ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो ये मटर पनीर है, ये मटर है, ये पनीर है। और मटर मैंने बॉयल्ड कर लिए। और बनाने का आज का तरीका साधारण है, बिल्कुल सादा तरीके से खुशक बना रही हूँ, रसे के नहीं बना रही हूँ, ग्रेवी वाले नहीं बना रही हूँ। तो मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें मटर पनीर डाल दिया है, तैयार कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और इस समय ना काफ़ी सवेरा हुआ हुआ है, अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जल्दी उठ के। मैंने दीदी दिल्ली जा रही है ना, तो इस वजह से मैंने जल्दी उठ के सारा काम कर लिया था, अपना खाना पीना बना के रेडी कर लिया था। तो ये उस समय का शूट है। तो ये बन रही है मेरी सब्जी, और इसी के साथ मैं बनाऊंगी चने खुशक और बथुए का रायता है। तो बथुए का रायता ना, हमारी बहू जो है, दीदी की जो बहू है आदि की, उसको बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए गाढ़ा गाढ़ा रायता बना के दे रही हूँ, ताकि वो वहाँ पर थोड़ा सा चख ले, खा ले। और ये देखिए, मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब खाने में कैसी लगेगी, मैंने अभी टेस्ट नहीं की है, टेस्ट करके ये लोग बताएंगे खाने में कैसी है। तो चलिए अब छौंकते हैं चने। चने के लिए भी मैंने प्याज को ना यही लिया है, कटिंग वाली प्याज चॉप की हुई। और ये मैंने जीरा डाल दिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। और प्याज डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी। तो मसाला मेरा वही है, चना मसाला, चाट मसाला थोड़ा सा 1 चम्मच, और उसी के साथ हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, सौंफ, धनिया, ये सब चीज़ें लेके मैं डाल दूँगी। देखिए, राई और जीरे में मैंने ये नहीं छौंके हैं, आप लोग देख रहे होंगे ना, राई, सौंफ, धनिया, जीरा, उसमें नहीं छौंके हैं, खाली जीरे में छौंके हैं इनके चने। तो ये मैं रंग वाली मिर्च डाल रही हूँ, और दूसरी भी मिर्च डाल दी मैंने। देखिए, पता नहीं कैसे बनेंगे, जल्दी जल्दी बना रही हूँ। सवेरे का काम बहुत जल्दी का होता है, तो सवेरा भी होने लगा है ना, रोशनी होने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो मैं ये गोल्डी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर ना सामान में, लेकिन सब कह रहे हैं एवरेस्ट का अच्छा होता है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी कंपनी का लगता है? पहले तो लोग अशोक के बहुत खाते थे, अशोक मसाला, तो हम लोग एवरेस्ट का लेते हैं, और वो यहाँ आसानी से नहीं मिलता ना, तो फिर गोल्डी का लेते हैं। तो गोल्डी के मसाले हैं ये सारे, चना मसाला भी, चाट मसाला भी, और साथ में
सब्जी मसाला भी, और चना मसाला मालूम दीदी की बेटी बहुत सारा बना कर ले आई है मेरे लिए, उसी ने बनाया था चना मसाला की। घर में रेसिपी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, घर में बनाएंगे किसी दिन। और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं अब इसमें चने, और ये हो जाएंगे अब तैयार। नीचे आ गया है सब्जी वाला, आवाज़ लगा रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए चने भी खुशक ही बना रही हूँ ना, ये सब्जियाँ ले जाते समय ना फैल जाती हैं तो खुशक बना देंगे। और ये बतखर का रायता हो गया है देखिए तैयार, तो बथुए का रायता, मटर पनीर और चने की रेसिपी, यही सब मैंने बनाया है आज। खुशक चने आप लोगों ने देखिए, ये वैसे तो काले बनते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मोबाइल में ना ऐसे पीले पीले आते हैं। और ये देखिए इसमें मैंने धांस कहते हैं ना उड़द की दाल पिसी हुई, और धनिया सौंफ मिर्च हींग जीरा ये सब चीज़ें मैंने, हरा धनिया पालक के पत्ते ये सब मिला लिए हैं, और इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। और ये अम्मा के लिए मैंने बना लिए हैं मीठे जगह, ये मैं उन्हें खिलाऊंगी। अम्मा की भी आजकल तबीयत सही नहीं रहती, ये लोग तैयार होकर बैठे हैं जाने के लिए, जी जी भी तैयार हो गई, ये अपना सामान देख रही हैं। इन लोगों का सामान भी लग गया है, ये देखिए ये रखा है सामान तैयार, रेडी हो गया। और दीदी वगैरह चली गई हैं, और समय हमें करती हैं, और जा रही है ट्रेन, ट्रेन आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ये जा रही है ट्रेन, मिलते हैं फिर। देखिए गई, ये काम बिखरा पड़ा है, अभी काम अभी निपटा नहीं है, ये टीन हटा लो भैया इधर, बहुत ज़्यादा काम है। तो ये लोग तो चले गए हैं, और उसके बाद के दो दिन बाद मैं ये वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और सही रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मेरी दाढ़ में देखिए बहुत ज़्यादा दर्द है इस समय, इसमें ना रात से खाना भी नहीं खाया गया, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। और हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री, दो चार दिन का काम और है वो निपटा रहे हैं, दूसरे भाभी के यहाँ फंक्शन है उसमें जाएँगे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, चलिए मिलते हैं।